हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस विद विशाल मेघानी पर। दोस्तों, ONGC का एग्जाम हो चुका है, राइट? और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है। ओके, तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन दोस्तों, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया हुआ है, राइट? तो आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है दोस्तों, है ना, साथ साथ मेडिकल कैसे होगा, और क्या ये जो हमारे लिस्ट के अंदर नाम आया है तो हमारी सिलेक्शन की कितनी श्योरिटी है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, राइट? दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करियर गाइडेंस विद विशाल मेघानी। इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इस चैनल के ऊपर ONGC के ऊपर अब जो भी आगे की इंफॉर्मेशन रहेगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज आती रहेगी उन सभी की जानकारी मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि काफी सारे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट? बराबर है दोस्तों? तो यहां पर जो सिलेक्शन का रेशियो है दोस्तों, वो है लगभग 1:5, मतलब एक वैकेंसी के पीछे 5 बच्चों को बुलाया जाता है। अब क्यों बुलाया जाता है ये ONGC जाने दोस्तों, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। 5-5 बच्चों को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है? एक्चुअली सिलेक्ट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पर इंटरव्यू तो है नहीं, है ना? यहां पर जो बच्चा अगर रिजेक्ट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दोस्तों इतने ज्यादा रिजेक्शन नहीं होते हैं, हार्डली 10-12 रिजेक्शन हो गए तो हो गए, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, राइट? तो यहां पर जो 1:5 रेशियो में बुलाया है दोस्तों, तो वो काफी सारे बच्चे हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है या मेडिकल टेस्ट कब होगा, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो मेडिकल टेस्ट है दोस्तों, ओके, फिटनेस टेस्ट या मेडिकल टेस्ट या फिजिकल, ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में होगा, जब आप फाइनल सिलेक्शन के अंदर पहुंचोगे दोस्तों, राइट? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आएगा, ओके, एक प्रकार से आप लोगों को टेंटेटिव कॉल लेटर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। और मेडिकल जो होता है दोस्तों वो ONGC के अंदर नहीं होता है दोस्तों, कुछ पैनल हॉस्पिटल्स हैं ONGC के, वहां पर जाकर आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है, पूरी बॉडी का एक्सरे निकलता है, ओके, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, सारी ईयर टेस्ट, आई टेस्ट, सब टेस्ट होता है दोस्तों। और एक बात बता दो दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के अंदर रिजेक्शन ना के बराबर होते हैं दोस्तों, एक रेयर कोई केस होता है जिसका मेडिकल टेस्ट के अंदर रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन का काफी सारा चांस है दोस्तों, और इस साल तो बहुत ज्यादा है। क्यों इस साल ऐसा क्या है? देखिए, अभी तक के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते थे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी किए जाते थे दोस्तों स्टेट वाइज, जैसे महाराष्ट्र का वैकेंसी अलग निकलेगा, गुजरात का अलग, आसाम का अलग, राजस्थान का अलग, बराबर है ना? लेकिन इस बार जो वैकेंसी का प्रोसीजर कैरी किया गया है, भले ही नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग हों, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, आसाम की अलग है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस कैरी किया जा रहा है ये सेंट्रली कैरी किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आप लोग अगर एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के दोस्तों, वो टिल डेट के होने चाहिए। अगर डेट के बाहर के हैं तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। जैसे कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या थी, 28 मई 2022 शायद से, है ना? और अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे कि हेवी व्हीकल का लाइसेंस बनाया है या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट बनाया है, है ना, तो ये अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस डेट के बाहर के हैं तो आपकी रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। फिर भी मैटर करता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि मैन टू मैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, एक एक पर्सन का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो पैनल रहेगा, काफी सारे लोग रहेंगे वहां पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उस समय उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको अलाउ करते हैं क्या, क्या वो आपको समय देते हैं क्या, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एज पर द रूल्स, एज पर द एडवर्टाइजमेंट, मैं यही कहूंगा आप लोगों को। और दोस्तों कहते हैं ना कि मतलब मैं उसका खुद एक विक्टिम हूँ दोस्तों, मेरे साथ ये खुद हो चुका है। ये बात है दोस्तों साल 2012 की, मेरा सिलेक्शन हुआ था ONGC के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर हेवी व्हीकल का लाइसेंस रिक्वायर था, ठीक है दोस्तों, हेवी व्हीकल का लाइसेंस रिक्वायर था। मेरा हेवी व्हीकल का जो लाइसेंस था दोस्तों वो डेट के बाहर का था दोस्तों, मेरे पास था लेकिन डेट के बाहर का था दोस्तों, तो मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया, मेरा रिजेक्शन हुआ था। तो हो सकता है ऐसा दोस्तों,
ठीक है ना। मैं बाकियों की बात क्यों करूं, मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे साथ ये हो चुका है कि मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया था दोस्तों, इंटरव्यू से भगाया गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी, दोबारा वैकेंसी आई, मैंने वापस पेपर दिया, सिलेक्शन हुआ और मुझे मेरा ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन तब वैकेंसीज फ्रिक्वेंटली आती थी, अब इतना फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज नहीं आती है। आप सब लोगों को पता है कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो कब आई थी दोस्तों, 2018 में आई थी दोस्तों, 2018 के एंडिंग में या 2019 कह दें हम दोस्तों। और उसके बाद अगली वैकेंसी कब आई, लगभग 3.5 साल के बाद आई। अब उसके बाद अगली कब आएगी पता नहीं है। पहले प्रोसीजर्स फटाफट होते थे दोस्तों, जैसे मैंने एग्जाम दिया था मई में और मेरा अगस्त में ज्वाइनिंग भी हो गया था। लेकिन अब आप लोगों ने एग्जाम दिया है, उसके बाद कितना समय बीत गया है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट लगेगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, तो समय भी काफ़ी सारा लगाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को है वो टाइम इसलिए लगाया गया दोस्तों, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप लोगों को कहीं ज्वाइनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर या नवंबर में मिल जाती राइट, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से दोस्तों 2023 से आपका इंक्रीमेंट भी हो जाता। क्योंकि यहां पर आप लोगों का जो इंक्रीमेंट होता है ना ONGC में लगने के बाद, वो एक साल कंप्लीट करने के बाद नहीं होता है, हर नए फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीमेंट किया जाता है दोस्तों। इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले भी किया गया, ताकि जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होने वाले हैं वो 2023 में उनका ज्वाइनिंग होना चाहिए, 2022 में नहीं तो उनको तुरंत इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो प्लीज अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो है वो डेट के बाहर का है या फिर नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। और जब आप ONGC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर दोस्तों कि आप लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिजेक्शन का सबसे ज़्यादा चांस होता है। और इसी कारण के लिए दोस्तों 1:5 रेशो में बुलाया जाता है, समझ में आया। हालांकि 1:2 या 1:3 रेशो में भी बुलाते तो भी इनफ था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर उम्मीद में आ जाते हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है अब क्या होगा, बाद में नहीं होने के बाद उनके सपने टूट जाते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, चलिए। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिए। और आप अगर चाहते हैं कोई, अगर आपका डाउट है, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा उस डाउट के ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊं दोस्तों। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम में आएगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए, जिनका लिस्ट में नाम आया है दोस्तों, है ना। साथ साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड डेफिनेटली कीप स्टडिंग।